हेलो दोस्तों, टेस्ट बिहार का चैनल में आपका स्वागत है। आज मैंने मीठा चीला की रेसिपी बनाई है। इसको मीठी रोटी भी बोलते हैं। इसको आप या तो ब्रेकफास्ट में बनाइए या लंच बॉक्स में ले जाइए। और इसको मैंने कैसे बनाया है, चलिए बनाते हैं। तो दोस्तों, चीला बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को चाशनी चाहिए। ये मेरा बचा हुआ चाशनी है दोस्तों। कभी अगर चाशनी बच जाए घर में तो इसका आप यूज कर सकते हैं चीला बना के। ऐसे आप ताज़ा भी चाशनी बना सकते हैं। तो उसके लिए चाशनी लिया है मैंने, और उसमें हम लोग ये गेहूं का आटा है उसको डाल देंगे। और उसके साथ ये दोस्तों थोड़ा सा ये सौंफ है, सौंफ को मैंने दरदरा कूट लिया है, उसको इसमें मिक्स कर देंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, फ्लेवर इसका। और इसको अच्छे से मिक्स करना है, इसमें लम्स बिल्कुल नहीं रहना चाहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने मिक्स कर लिया। ये थोड़ा सा थिक लग रहा है तो हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी को मिक्स करेंगे। जैसा दोस्तों मालपुआ के लिए हम लोग घोल बनाते हैं वैसा ही कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हम लोग इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे। इसको 10 मिनट हो गया दोस्तों, एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों लो टू मीडियम फ्लेम पे एक तवा गरम कीजिए, और उस पर थोड़ा सा हम लोग घी डालेंगे और इसको टिश्यू पेपर से ऐसे इसको थोड़ा चिकना कर लेंगे। और दोस्तों जब हम लोग ये बैटर को डालेंगे तो उस समय फ्लेम जो है बिल्कुल लो होना चाहिए। और इसको धीरे धीरे ऐसे फैलाना है। और इसको कवर करके 2 से 3 मिनट तक कुक करना है। 2 मिनट बाद दोस्तों इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग घी स्प्रेड करेंगे और इसको चारों तरफ ऐसे फैला देंगे। जब एक तरफ से कुक हो जाए दोस्तों तो हम लोग इसको ऐसे पलट देंगे। ये बहुत सॉफ्ट होता है दोस्तों, इसको आराम से इसको ऐसे पलटना है। और इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऐसे घी डाल देंगे। देखिए दोस्तों, ये चीला बन के रेडी है। अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं और फिर ऐसे ही फिर दूसरा बना लेते हैं। जब हम लोग चीला को डालेंगे उसमें फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, उसके बाद फिर लो टू मीडियम पे हम लोग इसको कुक करेंगे। कुक होने के बाद दोस्तों ये किनारा छोड़ देते हैं, तो इसको फिर ऐसे पलट लेंगे। दोस्तों ये बच्चों का फेवरेट होता है, आप लोग इसको घर में जरूर बनाइएगा और बच्चे को टिफिन में भी बना के दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये वाला भी बन के रेडी हो गया। ऐसे ही हम लोग सारा बना के रेडी कर लेते हैं। तो दोस्तों सारा चीला बन के रेडी है, आप लोग एक बार घर में ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कैसा बना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।